सुंदर है और ये अमृत है, मरने वाला नहीं है। शिव जी के पास गई, बोले ये मरने वाले नहीं है, लेकिन स्मशान में मैं क्या करूंगी जाकर के, गड़बड़ रखते नहीं है। शिव जी के पास घर नहीं है, जानते आप लोग, और हम लोग घर मांग रहे हैं। बोले घर के कारण पछताना पड़ेगा आपको, घर के कारण। यहां कोई भी वस्तु जीव चाहता है पछताने के लिए और दुखी होने के लिए चाहता है। हाँ, इससे जीव दुखी होता है वस्तु लेकर के। शिव जी इसलिए घर बन नहीं बनाया, प्रदेश के पास घर नहीं, रहूंगी कहां। और एक ये विष्णु है, लेकिन वो मुझे चाहते नहीं है। बोले नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आखिर मेरा पति वो ही रहेगी। भगवान का सुंदरता, भगवान का हंसना बोलना रहन सहन जो कुछ भी है, ब्रज की गोपियां रात दिन कोई काम नहीं करती थी, कुछ भी। उनका एक ही काम था, सुबह होते ही ब्रज के लाला को देखने के लिए चले जाए। वो जब वृंदावन जा रहे थे और जब वो ब्रज से निकलते थे, चारों ओर लाइन लग जाती थी अटारियों के ऊपर, भर भर के गोपीजन हैं, और भगवान भी घर से ही चालू करते हैं, वो बंसरी इत्यादि, सब लोग लाइन लगा करके खड़े रह जाते हैं। और जब वो आंख से अदृश्य हो जाते थे तो उस टाइम भी घर में कामकाज में मन नहीं लगता था, कि मन तो कृष्ण के पास चला जाता था। उनके सुंदर दर्शन, चारों दर्शन में उनका आंख चला गया, उनका मन चला गया, और घर काम में धंधे में उनका मन नहीं। और एक पलक गिरने का समय एक युग के बराबर प्रतीत होता था गोपीजनों को। युगायतम निमिषण चक्षुष प्रवृष्यायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरणहेन में, चैतन्य देव इसको सिखाए। सन्यासी चूड़ामणि महाप्रभु गोपीजनों का गुणगान गा रहे, वो कहते हैं कि वो गोपीजन, उनकी एक आंख मुंदने तक का समय सहन नहीं कर सकती थी कृष्ण विरह में, और उनको पूरा दिन, और जब वापस आते थे शाम को खड़ी हो जाती थी, बस पहले से 4 बजे से, भगवान 6 बजे आएंगे लेकिन 4 बजे से लाइन, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, और धूल उठती दिखाई पड़ती पास। उनका मन तो उनके पास ही था। युगल गीत में भागवतम में इस बात को लिखा गया है, तो गोपी का श्लोक आ गया, इसलिए मैं क्षमा कीजिए वर्णन ज्यादा नहीं करना चाहिए इसका। उन युगल गीत में बात आती है कि गोपियों का मन सदैव कृष्ण के पास रहता था। वो क्या करते होंगे, किधर जाते, कहीं कांटा मटा तो नहीं चुभा होगा पैर में, यह वह, चूंकि वो अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण को करती है, अपने को नहीं, हमारे शरीर। और हम लोग केवल अपने लिए दूसरों को उल्टा सीधा बात है, बिल्कुल उल्टा। गोपीजन का मन सदैव कृष्ण में, वो लाइन लग जाती थी पहले से, और जब कृष्ण आ जाते थे तो वो पलक गिरती थी, उनको सहन नहीं कर पाते। बोले ये इतना सुंदर दर्शन, ये ब्रह्मा जी बुद्धू है। बोले आंख की रचना करना नहीं आता है, एक तो बहुत सारा इंद्र की तरह सारे आंख होना चाहिए था, सारे शरीर में सब आंखों से भगवान का दर्शन करे, लेकिन दो ही दिया, दो तो दिया दिया, उनमें भी पलक डाल दिया, पट 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 कर रहे हैं पलक। ब्रह्मा जी को गाली चालू कर दी, एक गोपिया है। और वस्तु तो भगवान का सौंदर्य भी अद्भुत है, और गोपीजनों के सामने जब कृष्ण आते थे तो उनका सौंदर्य हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाता। इसी को भीष्म पितामह बोल रहे हैं, बोलते हैं मैं और अर्जुन उनके सामने तुच्छ है, कुछ नहीं। गोपीजन जो भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन करती थी अपनी इंद्रियों के द्वारा, उन अप्राकृत दिव्य देह को देखती थी, और देख करके वो इतना आह्लादित होती थी, जिसको देख करके भगवान
भगवान का प्रेम बढ़ जाता था और गोपीजनों इधर गोपीजनों का प्रेम उन दोनों में होड़ लगती थी, क्योंकि उनको देख करके और उनके मुख को देख करके तो मुख ही देखना काम है। बोला वहां पर ब्रज में केवल कृष्ण का मुख और कृष्ण गोपियों का मुख देख करके और लोग सोच रहे कि एक काम है, केवल दर्शन और नित्य बस, इसी को सोच रहे कि एक काम है। एक आचार्य लिख रहे कि भगवान श्री कृष्ण की आयु 11 साल के अंदर थी जब गोपियों के साथ रास हुआ और गोपीजन 5 साल के आयुष में कृष्ण को पति के रूप में चाह रही थी। ये पूर्व जन्म कृत अभ्यास है जीवों का, जो जीव उन भगवान का नाम जप बिना रुके करते हैं और अनेक अनेक सालों तक तपस्या करते हैं, वो प्रैक्टिस है, स्वाभाविक कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है और वो प्रेम जो पूर्व अभ्यास के कारण उनके हृदय में वो निष्काम प्रेम स्फुरित होता है और वही गोपी शरीर लेने के लिए वो लोग गोपी शरीर लेकर के भगवान की सेवा करते हैं। केवल भगवान का दर्शन और उनको देखते ही कृष्ण अत्यंत खुश हो जाते थे, आनंदित। गोपियों को देख करके कृष्ण जो आनंदित होते हैं उतना आनंद, और उसमें भी राजा राधा रानी को देख करके जो उनको सुख होता था, इससे सारी गोपियां हमेशा राधा रानी को सजा धजा करके आगे करती है। लाखों लाख गोपियों का ग्रुप है, लाखों जूत और उनकी जूतेश्वरी चंद्रावली इत्यादि भिन्न भिन्न लाखों गोपियां बताई गई है ब्रज में। भीष्म पितामह उन गोपीजनों के भाग्य की सराहना करते हुए कहे कि उन रास के बाद में भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो अंतर्ध्यान होने के बाद कहते कृतम अनकृतवत्त उन्मदांधा भगवत विरह में पागल हो गई गोपिया। जब इतना नृत्य चल रहा था और भगवान अदृश्य हो गए तो उनके बाद गोपीजन विरह से पागल। आप सोचे एक क्षण का विरह वो असह्य जिनको होता था वो भगवान बिल्कुल अदृश्य हो गए। अब गोपिया खोजने लगी और तरु को पूछ रही, इसको पूछ रही, दशम स्कंध पढ़िए आप लोग पता चलेगा पंचाध्याय में, वो विरह से खोज रही थी तो उन खोजती खोजती वो इतनी मदांध हो गई, अर्थांत उन कृष्ण विरह में उनका चित्त इतना विक्षिप्त हो गया, इतना विक्षिप्त हो गया, कृष्णमय हो गई, कृष्णमय नाम है ना, कृष्णमय, कृष्णमय माता कृष्णांगी कृष्णमयी स्त्रियों को नाम देते हैं महाराज इसी प्रकार का। तो एकदम कृष्णमय उनका भावना सभी गोपियों का और इसमें से कोई गोपी पुतना बनती है, मैं पुतना हूं और कोई गोपी कृष्ण बन करके उनके स्तनपान कर रहे अनुकृत्य और कोई अपनी चुनरी को उठा करके उंगली पर धारण करके बोले सब डरो मत मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है अपनी उंगली पर इसको कहते कृतन अनुकृत वक्त उन्मदान था, पागल हो गई थी बिल्कुल, अपने को कृष्ण सोच रही थी। वस्तु तो भगवान का गोपियों के ऊपर कृपा है। ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है गोपी जी ने सोचती है तो ये भाव नहीं है जो लोग निराकारवाद में मिल करके जो भगवान बनना चाहते हैं, ये भाव नहीं है। प्रभुपाद जी लिखे आप लोग पढ़ पढ़िए प्रभुपाद जी का, ये भाव नहीं है कि वो भगवान बनना चाहती है, लेकिन भगवान के भाव की पराकाष्ठा वो कृष्ण से अपने को बिल्कुल अभिन्न मानने लगी, उतना कृष्ण को प्रेम, साक्षात मैं कृष्ण हूं ऐसा बोल रही थी और दूसरी गोपियों उस प्रकार अनुकरण करना, किसी में वो भाव आ जाता था एकाध गोपी में कृष्ण का तो वो कृष्ण की लीलाओं का नकल करती थी और बाकी गोपियां उनको सहयोग करती थी उस लीला पूर्ति के लिए। एक गोपी खड़ी हो गई
बोले डरो मत आग को मैं पी जाऊंगा मैं कृष्ण हूं। और तब सब लोग आंख मूंद जाते थे, बोले कृपा कीजिए। आप सोचिए कि वो लोग कितना कृष्णमय होगी, एकदम तन्मय। विष्णु पितामह उन गोपियों की याद हो, उन महान भक्त की याद आते ही ये तुरंत ये श्लोक बोले, ललित गति विलास वल गुहासन। भगवान ने जब गोपियों को सम्मानित किया और राज करने के लिए, तो उस समय गोपियों की जो दशा हुई थी, तो कहते हैं कि वो प्रकृतिम अगमत, वो उनके स्वभाव को, कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त हो गई। ये कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। और उसके बाद मादनाख्य मदनाख्य जो भाव है वो केवल राधा रानी में है, महाभाव में ये गोपियां है, लेकिन महाभाव के बाद में भी जो कुछ भाव का वर्णन है वो भाव दूसरे किसी में नहीं है, श्रीमती राधा रानी में है, और उनका वर्णन हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो सो इस प्रकार ये गोपीजनों के द्वारा ये जो गोपीजन भगवान को प्रेम करती है उनकी सराहना भीष्म पितामह की। हमारे पास समय ही नहीं है, और आज दो श्लोक लेना ही पड़ेगा। द्वितीय श्लोक में मुनिगण पुनर वज्र संकुल अंत सदसी युधिष्ठिर राजसी जेशाम ना अरहण उपपेद इक्षणियो मम दृष्टि गोचर एश आविद आत्मा। और आगे के श्लोक में कहते हैं वही श्री कृष्ण को हम लोग राजसुई यज्ञ में पाते थे। बड़े बड़े राजा लोग राजसुई यज्ञ में आए हुए थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं जब तक राजसुई यज्ञ एक राजा तब तक नहीं कर सकता है जब सारे राजा उनकी छत्र साया को मान्य नहीं करते। इसलिए एक घोड़ा निकाला जाता था और घोड़े के ऊपर उनके कपाल में इन युधिष्ठिर महाराज का नाम लिख करके घोड़ा छोड़ा था। जो उनको नहीं मानता था चुनौती देता था, वो घोड़े को पकड़ लेता था, उनको युद्ध करना होता था। और भीम अर्जुन इत्यादि घोड़े के पीछे चलते थे, तो एक सेकंड में तुम परास्त करते थे। और कुछ लोग ऐसे ही अपने आप को सम्राट के रूप में उनको स्वीकार कर लेते थे। तो जब राजसूय यज्ञ हुआ सभी राजा, दुनिया भर के राजा लोग वहां जुटे हुए थे इस घटना को। और बड़े बड़े मुनि, इसे कहते हैं मुनिगण नृप वर्ग संकुले अंत सदसी, उन सभा में, सदसी का अर्थ सभा में, अनेक अनेक मुनिगणों की सभा और बड़े बड़े राजाओं की सभा जुटी हुई थी। और कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज से राजसूय यज्ञ में कहते हैं इन सब को छोड़ करके मेरी दृष्टि के सामने उन महापूजन के लिए भगवान श्री कृष्ण को पसंद किया गया। एक व्यक्ति खाली शिशुपाल को बाद करते हुए सब लोग सहमत थे। शिशुपाल वो तो भगवान के शत्रु थे और वो जय विजय थे, भगवान के पार्षद थे। दंतवक्र और शिशुपाल कृष्ण अवतार में वो दोनों एक दंतवक्र के रूप में और एक इनके मासी के लड़के के रूप में शिशुपाल। तो ये दोनों, इनमें से एक शिशुपाल था और उन्होंने केवल स्वीकार नहीं किया। बोले बड़े बड़े लोग हैं, 350 साल पुराने भीष्म बैठे हुए अजय योद्धा, और आप लोग एक ग्वाले की पूजा कर रहे हैं। बस एक भगवान हंस रहे थे, लेकिन सारे लोग पांडव खड़े हो गए, भीम अर्जुन इत्यादि। बोले बैठो बैठो, भगवान ने शांत किया, बोले तुम उनको मार नहीं सकते, मेरा पार्षद है, कोई नहीं मार सकता है। और वो एक के बाद एक गाली दे रहा था राजसूय सभा में, उठा उठा करके 99 गाली हुआ। तब भगवान ने सावधान किया, बोले तेरी माता को मैंने वरदान दिया है, 99 हो गया है, एक गाली दे सकता है, ज्यादा नहीं। वो बोलता है ये लो फगेड़ू कहीं के,
ये सौवा गाली, जैसे ही सौवा गाली निकला सुदर्शन चक्र घूमने लगा सभा में, और भगवान ने छोड़ा और उनको देखते देखते सबको देखते हुए उनके शरीर से एक ज्योति निकला तेज पुंज और भगवान के शरीर में समा गया। इसी प्रसंग का उठाया युधिष्ठिर महाराज ने कि तो शत्रु का शत्रु को मुक्ति मिला। बोले ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का कोई शत्रु नहीं संसार में, वो अपने शत्रु को भी मोक्ष देते हैं। जो बड़े बड़े मुनिगण जिस मोक्ष के लिए लालयित होते हैं वो अपने शत्रु तक को दे देते हैं। ये भगवान भगवान है, उसको कैसे मोक्ष मिला। और फलस्वरूप सातवां स्कंद निकला नारद मुनि के मुख से, भागवतम का सातवां स्कंद राजसूय सभा में इस घटना के बाद चला। खैर विष्णु ने याद करें कि उन महासभा में मेरी आंखों के सामने उनका सबसे पहला पूजन किया गया। सबसे पहली पूजा किन की जाए, सब लोग एक साथ में बोले कृष्ण की जाए, और सब लोग ने किया। अंदर वेद व्यास महाराज, नारद जैसे सब लोग, बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि की सभा थी, और बड़े बड़े राजा विश्व के है। लेकिन कहते हैं मामा इक्षणियों दृष्टि गोचर एश आविर आत्मा, उस भगवान में मेरा मन, आत्मा का अर्थ मन होता है, मेरा मन उस भगवान में लगे। तो विष्णु पितामह का ये मनसा है। हम सब लोग को ये समझना चाहिए कि श्री भगवान के अलावा और कोई व्यक्ति महान नहीं है। हमारी बुद्धि में इन पदार्थ की महानता है, या कोई व्यक्ति की महानता है, कोई वैज्ञानिक की महानता है, उन सबको छोड़ना चाहिए और एक मन करके कृष्ण में लगाना चाहिए। विष्णु पितामह के द्वारा ये बोध मिलता है हम लोग को, है ना। श्रीमद् भागवत में इसलिए इन स्तुति को रखा गया है हम लोग की शिक्षा के लिए। हमारा मन बुद्धि बटा हुआ है, ये करे ये, थोड़ी देर में क्रिकेट के ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है तो क्या होता है, और क्रिकेट में भी, क्रिकेट में खेलने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति उनकी खूब बड़ाई करने लगते हैं। उन्हों क्या गवास कर, क्या होना, मैं तो नहीं दूसरा पहले का जानता हूँ, अभी अभी वर्तमान में कौन कौन है मैं नहीं जानता हूँ। अब तो कालीचरण तो गवास्कर को, क्लाइव लॉयड इत्यादि को जानता हूँ। तो ये क्रिकेटर जैसे महानता होती है ना, लोग लट्टू होते हैं लेकिन बार बार गाली देते हैं, नहीं खेलने पर गाली, हरामी कहीं कहा। देखो इसको कहते हैं काम, प्रेम है ये नहीं। जब तक वो छक्का चौका मारता है तब तक प्रेम होता है, बाकी प्रेम गायब। अगर जीरो में आउट होता है हो गया बस, है ना। हम कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी जगह में मन लगा करके, कोई भी हमारा हीरो हो लेकिन वो जीरो है, हीरो नहीं है। हमारा हीरो कृष्ण होना चाहिए, उनके बाद में सब कुछ, आपको सब पूरी दुनिया को उनके चलते प्रेम कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हीरो इसे कल से स्टिकर लगाना चालू कीजिए बच्चों की तरह, बहुत अच्छा है, है? एक दिन एक घर में मैं रहा था केनिया में, एक बच्चे की रूम में मुझे निवास दिया था। कभी कभी सत्संग के लिए जाया करते हैं, वहां मंदिर नहीं होते हैं तो बच्चों के रूम में, तो मैं तो हैरान हो गया, कोई पहलवान है तो कोई क्रिकेटर है तो कोई क्या है, और एक 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 फोटो लगा करके, इतना फोटो था बच्चे की रूम में। मैं बोला एक भी कृष्ण का फोटो नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि वो बच्चे का मन है। तो हमारा ये बच्चे जैसा मन है, बच्चे की तरह उं, 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 बच्चा प्राउड बनिए, भक्ति कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। थैंक यू वेरी मच।